बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया और बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट है, तो घाटा जो है वो सीधे तौर पर बसपा को ही होगा, सपा को घाटा नहीं होगा। मतलब सपा को ही घाटा होगा, बसपा को घाटा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर यह बात है कि बीजेपी जो है वो इसका पूर्ण रूप से फायदा ले जाएगी, सपा को काटने का काम करेगी, बीजेपी को नहीं काट पाएगी। बसपा जो है वहां पर सपा को काटेगी, बीजेपी को नहीं काटेगी, और सीधे तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा। तो यह चीज महत्वपूर्ण है, यह चीज अहम हो जाती है यहां पर हमारे आसपास। अब आप ये देख सकते हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये मल्टी जो ग्राफिक स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन को आप देखिए, यहां पर आप मेरे आजू बाजू में बड़े चेहरे, बड़े नाम जो हॉट सीट बनकर उभरे हैं आज के चुनावों में, पहले चरण की वोटिंग में जो हॉट चेहरे हैं, हॉट सीट वाले जो चेहरे, संदीप सिंह साहब, श्रीकांत शर्मा मथुरा से ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल, और साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य जी, इसके साथ साथ मदन भैया भी हैं हमारे साथ, ये लोनी से हैं, साथ ही साथ अमरपाल शर्मा साहब हैं साहिबाबाद से, बड़े चेहरे हैं, हॉट सीट इनको बताया जा रहा है। नाहिद हसन विवादित चेहरा, बहुत विवादों में रहे, सपा को लगातार घेरने का काम किया रूलिंग पार्टी ने, लेकिन फिर भी इनको टिकट दिया गया है। मृगांका सिंह कैराना, जब भी कैराना पलायन की आप बात करते हैं उस पर जब खबर लिखते हैं तो मृगांका सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, सुरेश राणा साहब और संगीत सोम साहब, विवादित चेहरा लेकिन बड़ा नाम और बड़ा इनका दबदबा भी। पंकज सिंह साहब राजनाथ सिंह के बेटे हैं, डिफेंस मिनिस्टर के, ये भी बड़ा चेहरा और बड़ा नाम है। इस तरफ आप देख सकते हैं 2017 के लड़का गणित क्या कहता है, 2017 में क्या कुछ हुआ था, 2017 में तो बीजेपी ही बीजेपी थी। 2017 से अगर पहले की बात करूं, 2016 और 2017 से चुनावों के बीच का जो वक्त था, उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि ठीक है कुछ अलग देखने को मिलेगा, मोदी लहर की इतनी चर्चा नहीं थी, कहा जा रहा था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने जो थे वो दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही रथ पर सवार होकर चलते हुए सड़क सड़क अपना कैंपेन चला रहे थे। लेकिन बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गई, इसको क्लीन स्वीप ही बोलेंगे, इसको और कुछ नहीं बोल सकते, क्लीन स्वीप बोलेंगे, चाहे पूर्वांचल हो, अवध हो, पश्चिमांचल हो, कोई भी जगह हो, चाहे इसको हम बुंदेलखंड की भी बात करें, हर जगह क्लीन स्वीप था। बीजेपी 312 थी, एसपी 47 थी, बीएसपी 19 थी, हालांकि अब तो इनके आधा दर्जन विधायक भी नहीं रह गए हैं क्योंकि इधर उधर पार्टियों में चले गए, कांग्रेस 7 पर थी, अन्य 18 थे, मतलब निर्दलीय 18 थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनावों की बात करते हैं तो पहला चरण इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले चरण से तस्वीर साफ होने लगती है, आज के चरण से यह तस्वीर साफ हो जाएगी क्या लोगों के मन में जो चल रहा है, क्योंकि यह पता लग जाता है चुनाव में जब लोग वोट करने जाते हैं पहले चरण में तो यह भांप लिया जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कैंडिडेट के एजेंट्स हो, सब लोग ये भांप लेते हैं कि आखिर ये जो पूरा मौसम है ये किस तरफ चल रहा है, ये जो लोग हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ये भीड़ जो है किस तरफ जा रही है, लहर किसकी चल रही है। लहर को पता करने का सही वक्त यही होता है, इससे पहले लहर क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता लग सकती, क्योंकि जमीन पर जब पत्रकार हो या कोई भी हो, जमीन पर जब हम जिनसे बात करते हैं वो कभी भी, इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अपनी ही फ्रेटर्निटी की एक बात बता रहा हूं, जब हम जमीन पर किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर 99% वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी रूप से किसी राजनीतिक दल से या राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। कभी भी कोई आम बच्चा, कभी भी कोई गोपी या फिर कोई ननकू या फिर कोई शुभम तिवारी, कोई भी वो सामने नहीं आता जो LIC में काम कर रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन वो वोट देता है, तो वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते। जो कैमरे के सामने आते हैं वो या तो किसी पार्टी से जुड़े होते हुए या फिर विचारधारा से होते हैं या सदस्य होते हैं, ऐसे ही लोग सामने आते हैं और तरी बढ़िया बढ़िया स्पीचें देते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से घेरते हैं जो वायरल होती है और कहा जाता है कि देखिए आम जनता क्या बोल रही है। आम जनता नहीं बोल रही है, वो पार्टी के समर्थक बोल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि लगातार काविंद्र बता रहे हैं आपको कि ये वो हॉट सीटें हैं और ये वो चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा दाव खेलने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि लगातार काविंद्र बता रहे हैं कि 2017 के रण का गणित क्या रहा, बीजेपी 312 रही, एसपी 47 रही है, बीएसपी 19 रही है, कांग्रेस मात्र 7 रही है, अन्य 18 पे रहे हैं। इससे ही कहा जा सकता है कि एक जो चुनावी लहर थी बीजेपी की वो हमें 2017 में देखने के लिए मिली थी। कुछ विशेषज्ञों ने या ऐसे जो जानकार हैं जो बहुत राजनीति को बखूबी जानते हैं, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से 312 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में उमड़ पड़ी हैं। लेकिन अब तो 5 साल सरकार के हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम चेहरा लगातार 5 सालों से काम। राजनीति की बात ये करते हैं, लेकिन इस बार 300 पार का नारा जो लगातार दिया जा रहा है कि बीजेपी 300 पार करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या वो जाता है कि कोरोना काल की वजह से उतना काम, उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। दूसरी तरफ ये कहा जाता है
कि इस बार जो किसानों का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा अहम रहा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में उसका असर यहां देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज मतदान हो रहा है उन 11 जिलों की 58 सीटों पर। इसके अलावा जो चेहरे हैं बड़े बड़े जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, मृगांकन सिंह कैराना, अभी काविंद्र ने बताया कि कैराना वो ऐसी हॉट सीट है जिसके चर्चे सिर्फ भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, विदेशों तक हुए हैं। कैराना में किस तरह से पलायन हुआ इसका जिक्र हर हम चुनावी भाषण में देखने के लिए मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कैराना में जो पलायन हुआ हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा सुरेश राणा बीजेपी के हैं, थाना भवन से वो उतरे हुए प्रत्याशी बने हुए हैं, बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कद्दावर नेता वो है। संगीत सोम एक ऐसा चेहरा जो लगातार विवादों से बने रहे, सरधना से हैं और एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है वहां पर। पंकज सिंह बीजेपी नोएडा, पंकज सिंह तो अपने आप में बड़ा चेहरा है, कोई जानता है। इसके अलावा पंकुड़ी पाठक कांग्रेस से हैं। क्योंकि जेवर जो है यहाँ पर एक बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर नींव जो है वो रख दी गई है। लेकिन इसे भूलना नहीं चाहिए कि ये बहुत पुराना मसला है और अब कहीं ना कहीं धरातल पर इसे उतारा जा रहा है। इसमें सभी का हाथ है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो। इसके अलावा संदीप सिंह बीजेपी से, अथरौली से, बड़ा चेहरा जैसे कि आपने बताया कि एक विवादित चेहरा है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, उन पर विवाद ये लग रहे हैं कि बिजली आपूर्ति नहीं होती है, वो अपने इलाके में नहीं जाते हैं, मथुरा में रैलियां नहीं करते हैं, मथुरा वासियों से मुलाकात नहीं करते हैं। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में उपराज्यपाल रही, उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी रही और अब मथुरा सीट से उम्मीदवार बनी हुई है, प्रत्याशी बनी हुई है। जीत और हार का फैसला तो 10 मार्च का होगा, लेकिन चाहे विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो। इसके अलावा योगेश वर्मा हस्तिनापुर से हैं, हस्तिनापुर भी मेन है, आपने अभी जिक्र किया अर्चना गौतम का, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, हिजाब को लेकर जैसे कि काविंद्र बनाई हुआ है। प्रियंका गांधी एक ट्वीट करती है जिसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है कि प्रियंका गांधी कैसे शब्द निकाल रही है। आखिर क्यों महिलाओं पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और महिलाओं का जिक्र हम करते हैं, फिर महिलाओं के पहनावों पर इतना ज्यादा असर क्यों होता है? जो चीज उडुपी में हो रही है उसका असर उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाई दे रहा है और चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और जैसा कि काजोल आप लगातार एक बात का जिक्र कर रही थी, आपने बताया कि जेवर में भी आज चुनाव है और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे जो आपने तर्क दिया वो ये था कि यहां पर एयरपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल, ये आपको बता दूं कि जब बीजेपी विकास के नाम पर, जो बीजेपी हर तरफ विकास 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 का जो बताती है अपना डायरेक्ट कोर एजेंडा जो है उसका विकास है, लेकिन विकास की जब बात करती है तो जो जो चीज़ें वो दिखाती है उसमें कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट का नाम शामिल है। वो जो अपने टॉप 5 अगर विकास की बात करेगी तो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास जो उन्होंने किया है ये शामिल है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है, हम इस पर किसी भी तरीके की बात कर लें, अखिलेश यादव सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जो आइडिया था ये दरअसल हमारा था, लेकिन इसको पूरी तरह से इनकैश कर रखा है बीजेपी ने। जब आप जेवर जाते हैं, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहां जब आप बातचीत करते हैं देखते हैं तो सीधे तौर पर लोग कहते हैं कि नहीं ये बीजेपी ही करवा रही है, क्योंकि शिलान्यास दरअसल उन्हों के हाथों किया गया है। इसी के साथ पूर्वांचल की भी कई सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर विकास के नाम पर वोट पड़ सकता है, लेकिन आज क्योंकि हम पश्चिमांचल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वोटिंग हो रही है 11 जिलों के 58 विधानसभाओं में, यहां पर जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि क्या यहां पर बसपा का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो बसपा के इफेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो यही है कि बसपा यहां पर पश्चिमांचल में, पूरे पश्चिमांचल में बसपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी को नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी का एक सिंगल कोर एजेंडा है, उन्हें जिस चीज के नाम पर वोट चाहिए वो उसको लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो कर्नाटक से जो मसला आ रहा है लगातार, हिजाब का जो मैटर आ रहा है, इसको हालांकि अभी तक आपने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी होगी काजोल, जब इससे पहले चुनाव हम देखते थे तो चुनावों में क्या होता था कि कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं अगर माइनॉरिटी से जुड़ी हुई है, अगर मुस्लिम से जुड़ी हुई है और चुनावों के वक्त अगर मिलती है
तो विपक्षी पार्टियां उसको ज्यादा इनकैश करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हिजाब का जो मैटर आया है कर्नाटका से, लगातार इसको ऑपरेशन की तरह देखा जा रहा है कि देखिए भैया मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको राइट नहीं दिया जा रहा है कि वो कुछ पहन सके। लेकिन इस पर फिर भी अभी तक अखिलेश यादव का एक भी सिंगल कमेंट नहीं आया है, ना ही रालोद की तरफ से सिंगल कमेंट आया है। कमेंट आया है प्रियंका गांधी की तरफ से आया है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर घिरी गई है क्योंकि उनका कमेंट कुछ सटीक बैठा नहीं। उन्होंने जो बात कही वो उस पर जितनी अच्छे से वो मैसेज दे पाती उससे अच्छे से बीजेपी ने उनको ट्रोल कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का जो कमेंट किया वो दरअसल वहां पर सटीक नहीं बैठ रहा था उस कॉन्टेक्स्ट पर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा, रालोद ने उस पर कुछ नहीं कहा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है हमको काजोल, कि इस बार पार्टियां जो है बहुत सही से खेल रही हैं, क्योंकि पिछली 2017 की बात करूं, 2019 की बात करूं या फिर 2014 की बात करूं, ये तीन चुनाव ऐसे थे जहां पर हिंदू वोटर जो है जिसने इसको मोबालाइज कर दिया, जिसने इनको हवा भरने का काम कर दिया जिसने इनके अंदर, वो पार्टियां जीतती हुई और जीती हुई क्या बंपर वोटों के साथ जीती हुई नजर आ रही है। तो इस बार के चुनावों में जातिगत गाड़ी जरूर है, अखिलेश यादव ने जरूर ये काम किया है कि उन्होंने तमाम जो छोटे छोटे दल है उनको समेट लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिंदू वाला जो कार्ड है ये इस बार ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज काजोल, यहां पर एक और चीज पर हम जानना चाहेंगे कि कल तक ये कहा जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आज से, आज पहला चरण जरूर है लेकिन आज से ये चीज जरूर इफेक्ट डालेगी, ये चीज जरूर इफेक्ट डालेगी। वो ये चीज है कि जो चाचा जी हैं वो दरअसल अब नाराज नजर आ रहे हैं काजोल, वो नाराज इसलिए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले हमने अखिलेश यादव जब हमारे घर पर आए, हमारा मान सम्मान किया तो हमको भी लगा कि सम्मान मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि नेताजी ने तो कहा था कि दरअसल 100 सीट से कम मत मांगना, तो हमने 100 सीट नहीं, हमने कहा चलिए ठीक है 65 सीट हमें दे दीजिए। तो अखिलेश यादव ने कहा कुछ कम कीजिए, तो चाचा ने कहा ठीक है 45 कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ कम कीजिए, तो उन्होंने कहा 35 कर दीजिए। और करते करते आज की डेट की अगर हम बात करें काजोल, तो सिर्फ एक सीट चाचा को मिली, एक सीट, और वो भी स्वयं चाचा को ही मिली है, और वो भी वहां से मिली है कि अगर वहां से टिकट ना भी मिलती तो भी चाचा जीत जाते, तो वहां से एक टिकट देकर कहीं ना कहीं एक मजाक सा किया गया है। और इसको लेकर खुलकर ना बोल पा रहे हो शिवपाल सिंह यादव, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव के जो उनके जो करीबी जो थे, जो प्रसपा में आए थे, जो उनके बराबर के जो नेता थे, बड़े नेता थे प्रसपा में, जिनका स्ट्रांग होल्ड था, जो प्रसपा को दरअसल वो दे रहे थे, अनाज दे रहे थे, जो प्रसपा को ताकत दे रहे थे, स्ट्रांग होल्ड दे रहे थे, वो सब छूट कर बीजेपी में चले गए। और कब शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में चले जाएं ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन इस बीच जितेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र जी ठीक है तो फिर हम एक बात बता रहे हैं आपको कि बीजेपी जो है 312 2017 में जीती थी, एसपी 47 जीती थी, बीएसपी 19 जीती थी और कांग्रेस 7 जीती थी, अन्य जो लोग थे वो 18 जीते थे। तो काजोल इस बार अभी तक आप भी क्योंकि जमीन पर गई, आप भी ग्राउंड पर गई, हम भी ग्राउंड पर जाते रहे, लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखी है इस बार महत्वपूर्ण, कि पिछले चुनावों में जिस तरीके का एक मुद्दा जो बीजेपी को वोट देने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक दिख रहा था, लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे विपक्ष ने क्रिएट कर दिए हैं। महंगाई वहंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हर बार है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो पाषाण काल से लेकर आज तक यथावत है और ये कहीं नहीं हिलने वाले। इसके लिए आपने एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी किया था कुछ बरगद का, वो भी बड़ा अच्छा था इसके लिए कि वो कहीं नहीं हिलने वाले। लेकिन जो मुद्दे इलेक्शंस के टाइम पर क्रिएट किए जाते हैं वो मुद्दे इस बार विपक्ष ने ऐसे क्रिएट किए हैं, बड़े बड़े मुद्दे जो हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार उतनी सीटें आती नजर नहीं आ रही जितनी पिछली बार आई थी। देखिए 300 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही है, लेकिन अगर सियासी गणित की, गुणा गणित की मैं बात करूं तो वो 300 सीटें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर आप जमीनी स्तर की बात करेंगे, देखिए आपने मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने, उनका हम रुक करेंगे, उससे पहले जरा काव्यन्द्र हमें ये समझना होगा कि अभी आपने जिक्र किया कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के चेहरे पर लगातार चुनाव लड़ती है, हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है। इन 5 सालों में देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से वो कर दिया गया, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके बाद मथुरा की बारी की बात करते हैं आप, तो इसका असर क्या, मतलब हिंदू ये समझ चुका है कि बीजेपी ही करवा सकती है, वरना अगर कोई और पार्टी आती है तो यूपी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैं उतना ज्यादा इन मुद्दों को नहीं छूंगी क्योंकि इन मुद्दों पर तो बहुत सालों साल बहस होती रही है और सालों साल चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं। इस बार तो इनका शिलान्यास हो रहा है, इनका भूमि पूजन हो रहा है, तो इनका असर दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल हो, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को
जगह दी है। मुसलमान बहुत कम आपको दिखाई देंगे और 2017 में ऐसा नहीं था काविन, 2017 में हमें बखूबी मुसलमान चेहरे दिखाई दे रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं उतने। जी बिल्कुल, मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो जहां समाजवादी पार्टी एक तरीके से जो पुराना समीकरण चलता था कि जातीय गणित निकालते हैं, बहुत आसान है इसको, कि किसी भी विधानसभा में जाइए वहां ये देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सी जात के लोग हैं, उस जात का कौन सा ऐसा नेता है जो उस जात पर स्ट्रांग होल्ड रखता है, उसको पार्टियां कहीं ना कहीं टारगेट करती थी और सोचती थी कि इसको प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन 2014 के बाद से ये समीकरण बिगड़ने लगे, ध्वस्त होने लगे, क्योंकि लोग जातियों में ना बटकर वोट ना देकर एक बड़े पर्सपेक्टिव पर वोट देने लगे। लोग वोट देने लगे हिंदुत्व के नाम पर, चाहे यादव हो, केवट हो, बनिया हो, मल्ला हो, सब एक साथ चल दिए कि हाँ भाई हमको हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है। और यह हिंदुत्व का जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया, यह बीजेपी ने बड़े ही अच्छे तौर पर सेट किया, तो बड़े ही अच्छे तौर पर सेट किया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि अब जैसे जैसे ये जो जाति के नाम पर बांटने का जो सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, चाहे हम इधर पूर्वांचल की सीटों की बात करें, जगह जगह पर, और ऐसा ही कुछ यहां पूरी ये जो जाट बेल्ट आप देख रही हैं, यहां पर भी कहीं ना कहीं जाटों को इधर लाने की कोशिश की जा रही है और किसान आंदोलन के नाम पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक विपक्ष खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसको बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद से और तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद का एक अपडेट ले लेते हैं तुरंत। गाजियाबाद से कितने परसेंट वोटिंग हो गई है जितेंद्र साहब? ठीक है जितेंद्र साहब, म्यूट हटा दीजिएगा जरा और विजुअल चलाइए ऑन स्क्रीन डायरेक्टर साहब जी। ठीक है, अब ये बताइए आप मुझको जितेंद्र साहब की कितने परसेंट वोटिंग हो गई है? बाद में अगर वोटिंग की बात की जाए तो 33% वोटिंग हो चुकी है, जो 1 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 2 बजे तो कुछ देर में जो चुनाव आयोग है वो गाजियाबाद से वो आंकड़े भी अभी पेश करेंगे। कुल मिलाकर जो है 33% हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए लोनी हो सीट की, तो वहाँ एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुई है, जिसमें लोगों का कहना ये है कि वो जो भी वोट डाल रहे हैं लेकिन जो पर्ची आ रही है वो कमल की आ रही है। इसको लेकर गाजियाबाद के जो DM है उन्होंने भी तुरंत कमेंट किया है और कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, बसरता जो शिकायत करता है उसको शिकायत करनी होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए धीरे धीरे जो है वोटिंग परसेंट कम होता जा रहा है, लोग जिस तरह से आ रहे थे लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही आ पा रहे हैं। जी तक जो है वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यहाँ पर लोग जो वोट देने आ रहे हैं उनकी जो संख्या बढ़ती हुई देखी जा सकती है, संख्या बिल्कुल बढ़ती हुई देखी जा सकती है। 4 बजे के बाद जो है लगातार संख्या इसलिए बढ़ने को देखी जा सकती है क्योंकि दिल्ली NCR में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल गए हैं, नौकरियों के लिए निकल गए हैं, लेकिन वो जल्दी लौटेंगे तो 5 से 6 बजे का जो समय होगा उस वक्त वोटिंग रेट बढ़ सकता है। और इसके अलावा अगर देहात की बात की जाए तो देहात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी अपने खेतों पर गए हैं, काम कर रहे हैं, वो वापिस आएंगे तो वोटिंग रेट बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, ये तब हम चुनावी प्रतिशत देखने को मिल रहा है। देखिए अभी एक बड़ी खबर आई थी जितेंद्र कि उन्हें जमानत मिल गई है। देखिए किसानों की हत्या का आरोप उन पर लगा गाजियाबाद में इस चीज का असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में चीज का 3 विधानसभा सीट पर देखने को असर मिल सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात करें मोदी नगर की, बात करें लोनी की और मुरादनगर की, ये तीनों विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे किसान हैं जो वोट करने वाले हैं और ये बहुत से कर चुके हैं, लेकिन जो करने वाले हैं हो सकता है कि जो अभी रिजल्ट आया है उसको देखकर, खासतौर पर आशीष वाले रिजल्ट को देखकर हो सकता है कि उनका मन बदल जाए, या फिर जो पहले वोट करने ना जा रहा हो अगर उसका पॉजिटिव देखा जाए विपक्षी पार्टियों की तरफ, तो जो वोट करने ना जा रहा हो सकता है कि जब देखें कि ये जो है ये किसान के मामलों में आरोपी हैं लेकिन उनको जो है बरी किया गया है कोर्ट की तरफ से, और दूसरी ओर उनके पिता को अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है, तो इन तमाम चीज को देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये पॉजिटिव चला जाए अभी विपक्षी पार्टियों की ओर। जो है किसान भी पहुंच रहे होंगे, देखिए अब तो काफी 2 बजे से ऊपर होंगे, आप तो पहुंच रहे होंगे मतदान केंद्रों पर, मतदाता उनसे बातचीत हो पाई है, क्या कहना है उनका, इसका असर कितना पड़ रहा है? जितेंद्र आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, काजोल आप इस ब्रेकिंग को बताइएगा, काजोल एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपके सामने आ रही है। ठीक है काविंद्र, दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, दोपहर 1 बजे तक 35.3% तक का मतदान हो चुका है। तो यूपी में पहले चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है,
11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। फिलहाल 1 बजे तक के आंकड़ों की मैं बात करूं तो 35% ओवरऑल जो है वो पोलिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 623 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार बन रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर चुनावी माहौल कैसा है, वहां पर पोलिंग बूथ पर कितनी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है और कितनी संख्या में वहां पर वोटिंग हो चुकी है। ओवरऑल इन 11 जिलों की 58 सीटों की मैं बात करूं तो 35% मतदान अब तक हो चुका है। जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में कितने प्रतिशत वोटिंग अब तक हो चुकी है? और ये जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि दोपहर के बाद का समय हो चुका है। अब लोग जो है इक्का दुक्का ही वोटिंग पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में। जैसे कि इस वक्त मैं भी गोविंदपुरम में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ धीरे धीरे लग रही है क्योंकि अंदर जो है थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर गहमा गहमी है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर सामने आई है वो दिक्कत ये है कि जो लोग हैं वो सेल फोन लेके भी आ रहे हैं और उसके बाद लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको सेल फोन रखने के लिए बोलते हैं। तो इस पर जो तमाम चीजें हैं वो बहस हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी वोटिंग परसेंट का असर पड़ रहा है। बताई गई थी कि अगर आप वोटिंग करने जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, तो आपको अपने फोन जो है वो घर पर ही रखने होंगे या बाहर रखने होंगे, ये सब तो जानकारी पहले से ही दे दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी आम लोगों को याद कितना रहती है, ये सबसे बड़ा फर्क है। और इसके अलावा जैसे गाजियाबाद में तो वोट के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, अब ऐसे में अगर वो अपना फोन घर पर छोड़ के आएंगे और यहाँ वोट डालेंगे फिर सेल्फी कैसे लेंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दुविधाओं में लोगों को डाल रही है। खासतौर पर गाजियाबाद में सेल्फी पॉइंट रहा था कि इस बार विकास के मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, तो आपने सुबह से अब तक लोगों से बातचीत की है, क्या कहना उनका, कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, सिर्फ सुरक्षा मुद्दा है या फिर एजुकेशन मुद्दा है या फिर स्वास्थ्य मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की वजह से जो कमी हुई थी उसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई और जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि गंगा में जो शव है वो बह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये गंगा में जो सब बह रहे थे ये तमाम जो बयान थे इन ये जो चीज है इनको जो यहाँ के वोटर्स है वो भुला चुके हैं, वो सिर्फ अब इन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं कि उनको महिला सुरक्षा चाहिए जो जैसे थी। और इसके अलावा व्यापारियों को सुरक्षा की बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद को लेकर यहाँ जो है वोटिंग की जा रही है, हमारी राष्ट्रवाद को लेकर वोटिंग की जा रही है। आप लगातार गाजियाबाद में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बने रहिएगा हमारे साथ लाइव, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ नोएडा से भूपेश भी जुड़ गए हैं। भूपेश, नोएडा में क्या कुछ चल रहा है, नोएडा में किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं? यहां पर दो बड़े चेहरे पंकज सिंह और एक तरफ आपको बता दूं कि पंखुड़ी पाठक नया नाम है, सोशल मीडिया में एक बड़ा चेहरा है, कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए काविंद, बिल्कुल अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा से यहां पर पंकज सिंह हैं और उनके सामने अगर बात करें, देखिए पंखुड़ी पाठक जरूर सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं लेकिन धरातल पर सोशल मीडिया का वो वोट बैंक उनका वोट बैंक नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी इन चुनावों में दिखाई नहीं दे रही है। अगर सीधी टक्कर जहां भी है तो वो गठबंधन और भाजपा के बीच है। और नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में भी यही इसी तरह की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जो शहरी वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ उसका झुकाव है। ये जो चुनाव है साफ तौर पे हमने लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना हम राष्ट्रवाद के नाम पर ये चुनाव जो वोट दे रहे हैं और महिला सुरक्षा के नाम पर और जैसा सुशासन चला है उसके नाम पर वोट दे रहे हैं। जो कोरोना की पुरानी यादें हैं, चाहे वो गंगा में सब आए हो, उन सब बातों को लोग भूल चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि जो जातिवाद से बढ़कर ऊपर अब ये चुनाव एक राष्ट्रवाद के चुनाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया था और कहा था कि अगर आप लोगों ने वोट गलत दिया तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को देखिए फर्क पड़ा है और योगी आदित्यनाथ लगातार जो आक्रामक रहे हैं, विपक्षियों पर उन्होंने निशाना साधा है, चाहे वो कैराना का मुद्दा हो, मुजफ्फरनगर में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 10 मार्च के बाद वो गर्मी निकाल देंगे। तो वो एक तरफ जो युवा है और युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। बिल्कुल भूपेश, और यही बातें हम और काजोल भी डिस्कस कर रहे थे कि आखिरी वक्त पर जब लोग घर से भी निकल रहे हैं ना वोट करने,
आखिरी वक्त पर भी इन स्पीचेस का, इन भाषणों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोई रास्ते में चलते चलते भी अगर फोन पर ये देख लेता है कि योगी जी बता रहे हैं कि केरला बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं माइंड जो है उसका रास्ते में भी चेंज हो जाता है जब तक वो वोट डालने जाता है, जब तक वो मेंबर एक बटन दबाता है। देखिए काविंद, कुछ युवा भी मेरे साथ में मौजूद हैं जो अभी वोट डालकर आए हैं, हम उनसे पता करते हैं कि कितना फर्क चुनावों में है, क्या मुद्दे उनके रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश शर्मा, यूपी 16 इंतजार। हितेश जी, आप वोट डालकर आए, क्या दिमाग में आपके मुद्दा रहा था? वो हमने नल पर डाली है, नल पर क्यों डाली है उसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण का अपमान किया गया है, इसलिए अवतार सिंह वड़ाना जी को वोट डाला। किस तरह से अपमान हुआ है? ब्राह्मण समाज का अपमान ही हुआ है हमारी स्थिति। नहीं हुआ किस तरह ये बताएं ना, अपमान नहीं, नेताजी ने कहा होगा हुआ है तो हुआ है, माइंडसेट है, हुआ है तो हुआ है। हाँ अभी बड़ा ना साहब को बोलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, माइंड सेट वाली जो बात है कि जो विपक्ष की तरफ से कुछ चीजें चलाई गई थी उन्होंने कहीं ना कहीं काम भी किया है। नहीं, हर नेता की तरफ से, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, इन चीजों का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक चीज और है दिलचस्प है, इस चीज को बताइएगा भूपेश, की हम निर्वाचन आयोग जब पीसी करता है, बड़ी एक इवेंट टाइप से हम लोग उसको कवर करते हैं, चैनलों पर चलते हैं हर चीज, लेकिन उस निर्वाचन आयोग की पीसीज जो होती हैं उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि फर्स्ट फ्लोर में मतदान होगा, इतनी इतनी दूरी पर आप लोग खड़े होंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करेंगे, इतने लोग ही इतनी संख्या में आ सकते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में वोटिंग हो सकती है, यहां से अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो 80 साल के युवक, 80 साल का जो वृद्ध है उसको ले जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हमको हर बार, हर जब भी चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग की जो पीसी होती है उसमें जो तमाम बातें होती है जो हम भी नोट करते हैं, लेकिन आज जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, या जितेंद्र तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनोवर हमारे साथ जुड़े थे तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल पहले के चुनावों जैसी तस्वीर है। इसमें आम और खास आपको क्या देखने को मिला आज स्क्रीनिंग के अलावा? देखिए बिल्कुल, जब निर्वाचन विभाग जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उससे पहले बड़े बड़े वादे होते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, और जो बूथ है वो भी अलग तरीके से बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए कुछ बूथ पर हमें दिखा, जो हमने ग्रेटर नोएडा की बात करी आपको दिखाया, मॉडल बूथ था वहां, अलग तरीके से उसको सजाया गया था, सेल्फी पॉइंट अलग से बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा युवा आए और वोट डालें। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहे तो वो चीजें गायब होती चली गई, ना तो हमें गांवों में सोशल डिस्टेंस के पालन की चीजें दिखी और जो मतदान केंद्र उनके पास ही काफी संख्या में भीड़ दिखी। तो निर्वाचन आयोग हालांकि बात तो करता है लेकिन वो चीजें धरातल पर उतर नहीं पाती। अब दूसरी बात है जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात है, कहा जाता है कि शहरी जो मतदाता होता है वो ज्यादा जागरूक होता है, जबकि नोएडा का प्रतिशत काफी कम है और जेवर में ज्यादातर जो ग्रामीण मतदाता है यानी गांव के मतदाता यहां पर ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जेवर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और वो 40% तक पहुंच चुका है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2019 की लोकसभा की बात करूं या 2017 की बात करूं, दोनों ही बार जेवर विधानसभा नंबर 1 पर रही है और नोएडा विधानसभा सबसे पीछे रही है। तो ये है कि ग्रामीण जो मतदाता है। जी भूपेश, आपको यहाँ मैं रोकूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, जितेंद्र आप भी मेरे साथ बने रहिए। दर्शकों के लिए एक बार मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान जारी है, 11 जिले हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, 58 सीटों पर मतदान सुबह से हो रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 6 बजे तक होगा। अमूमन हमने देखा है कि 5 बजे तक होता था लेकिन कोरोना काल की वजह से 1 घंटे का समय चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ाया गया है। तो 1 बजे तक 35.03% मतदान हो चुका है ओवरऑल। शामली में 41.16%, मुजफ्फरनगर में 35.73%, वहीं मेरठ में 34.51%, बागपत में 38, गाजियाबाद में 33, हापुड़ में 49, गौतम बुद्ध नगर में 30%, बुलंदशहर में 37, अलीगढ़ में 32, मथुरा में 36 और आगरा में भी 36% मतदान हो चुका है। काविंद्र, इन आंकड़ों से आप क्या समझ रहे हैं जरा एक बार बताइए और दर्शक ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिशत जो आप बता रहे हैं उसका सीधे तौर पर यही मतलब है कि लोग कितना ज्यादा उत्साहित हैं या कितना ज्यादा उत्सुक हैं वोटिंग को लेकर। ये चीज इसलिए अहम होती है, जो प्रतिशत है इसका और कोई मसला नहीं है, बाकी सब गोलमोल बातें हैं, लेकिन ये इस चीज इसलिए बहुत अहम है ये जानने के लिए कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो वोटिंग प्रक्रिया है, जो हमारी तमाम चीजें हैं, क्या हम उनको अच्छे से या शानदार तरीके से उनको हम अपना पा रहे हैं, क्योंकि वोट करना एक अधिकार है, क्या लोग उसका सही तौर पर पालन कर पा रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस चीज को लेकर जागरूक करें कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन एक चीज आप देख रही है, जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे थे और हमारे साथ अभी भूपेश जुड़े थे हमारे साथ नोएडा से, काजोल एक चीज है कि हम लोग किस तरीके से एक नए
मॉडर्न युग की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि दोनों ही लोगों ने, जैसे हमारे दोनों ही संवाददाताओं ने हमको एक जानकारी दी कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां वोटिंग करने जा रहे हैं वह सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीका है, एक ना कहीं एक सिस्टम है कि जिसके चलते युवाओं को ज्यादा आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर फोन घर पर छोड़ के आएंगे तो फिर सेल्फी कैसे लेंगे। तो सेल्फी पॉइंट बनाने का एक मकसद सीधे तौर पर यह भी हो सकता है कि जाएं और युवा इससे ज्यादा काफी अट्रैक्ट होते हैं कि वहां सेल्फी लेंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट वगैरह करेंगे। तो ये चीज एक नई देखने को मिली है। और इससे कहीं ना कहीं और जो दूसरे लोग हैं जो देखेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, सोशल मीडिया पर जितने भी होंगे, वो देखेंगे कि हाँ भाई उसने वोट किया है और एक अच्छी खासी सेल्फी ली है और कितने प्यारे सुंदर आकर्षित ये पोलिंग बूथ बनाए गए, हम भी जाएंगे, हम भी वोट जरूर करेंगे। और जब पहला, जब आप 18+ होते हैं और जब आपका पहला वोट होता है तो आप और ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अंदर से कि हम वोट कैसे डाले जाते हैं, अंदर किस तरह की व्यवस्था होती है, ईवीएम मशीन पहले नहीं देखी होती, पहली बार बटन दबाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जरूर नजर आती है। देखिए काविंद, यहां मैं शामली का जिक्र करूंगी। शामली में 41% मतदान हो चुका है, सबसे ज्यादा जो मैंने आंकड़े बताए हैं उनमें सबसे ज्यादा शामली में मतदान हुआ है। शामली बहुत हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि शामली इधर जो है कैराना को भी कहीं ना कहीं जोड़ती है और शामली फिर सहारनपुर से भी टच हो जाता है और शामली फिर इधर मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी टच हो जाता है, बीच में शामली आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये हम कहें कि यहाँ का मतदाता पूरी तरह से जागरूक है। बिल्कुल, यहाँ का मतदाता बिल्कुल पूरी तरीके से जागरूक है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं तब्दील भी हो सकते हैं क्योंकि हर आधे घंटे एक घंटे के बाद हमको ये जो नई संख्या है देखने को मिलती है। इन संख्या को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर जरा विजुअल चलाएंगे ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से लोग जो हैं वोटिंग करने जा रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या कुछ बदला है, क्योंकि ये कोविड के काल के बाद हम पहली बार इस तरीके के बड़े चुनावों में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से वोटिंग हो रही है, देखिए कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है काजोल। तस्वीरें वही हैं जो जिस तरीके से पीसी के दरमियान कही गई थी कि इतनी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके वोटिंग करानी है, इस तरीके से वोटिंग होनी है, कोविड नियमों का पालन करना है, लेकिन पिछली दफा 2017 में जो तस्वीरें थी वो भी इसी बार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, बस एक कुछ थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है, भीड़ वही है, मुंह पर मास्क लगे हुए हैं, स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं हो रही है आम जनता की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इतने उत्साहित हैं कि अगर आपके कोई थोड़े बहुत चोट भी लगी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने में असमर्थ है उसको बकायदा भेजा जा रहा है। चेकिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़ी की हुई है क्योंकि जितने भी पश्चिमी क्षेत्रों की हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी ज़िले हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील माने जाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी की हुई है। लेकिन इसके अलावा जो बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुत कम लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वोट करके चले जा रहे हैं, फिर इक्का दुक्का आ रहे हैं, फिर वोट करके चले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे कि तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर कुछ ज्यादा हैं। तो आपको बता दूं कि 1 बजे तक 35% जो मतदान है वो हो चुका है। यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है, शामली में 41%, मुजफ्फरनगर में 35%, मेरठ में 34%, बागपत में 38%, गाजियाबाद में 33%, हापुड़ में